हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ, बट आजकल धूप में इतना आना जाना हो गया ना कि इस फेस की मेरी बैंड बच गई है, मतलब टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी तो मैं ट्रैवल भी करके आई हूँ और फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी थी, तो मैंने सोचा कुछ कर लेती हूँ। अब देखिए, इतना टाइम तो था नहीं कि मैं सलून जाऊँ, तो मुझे घर पर ही कुछ ऐसा करना था जिससे फेस थोड़ा सा ठीक हो सके। अच्छा, आप लोग फेशियल लेते हैं? नहीं, देखिए फेशियल लेना बहुत ज़रूरी होता है, मंथ में एक फेशियल तो लेना ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारी स्किन की रिसाइकिलिंग हो जाती है, मतलब जो डेड स्किन होती है उसके बाद से हमारी स्किन थोड़ी सी डल डल सी लगने लगती है। फेशियल के नाम से माइंड में ये ध्यान आने लगता है कि कौन सलून जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम ये बजट, क्योंकि अब जो बजट होता है, आप जाइए सोचेंगे कि 400-500 हम करवा लेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे ना कि आप 1500 वाला या फिर 2000 वाला करा करके आएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसको मैं खुद भी अभी करने जा रही हूँ और मैं करती हूँ। चलिए मैं बताती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी आपको बता देती हूँ। अब ना सलून जाने की झंझट और ना ही पेमेंट की। तो ये है वो मैजिकल प्रोडक्ट, न्यू 30 मिनट्स DIY मेकओवर फेशियल किट, एंड इट इज प्रोमिस्ड टू कीप डायमंड लाइक ग्लो। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, ये डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है और इसमें पैराबेन, सल्फेट, DEA, फॉर्मल डिहाइड एंड MSG जैसी कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। सारी डिटेल आपको इसके बॉक्स पे भी मिल जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। और इसमें 6 स्टेचेस आते हैं। फर्स्ट है क्लिंजिंग मिल्क, सेकंड है एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब, थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम, फोर्थ है फेस मास्क, फिफ्थ है फेस सीरम एंड सिक्स्थ इज सनस्क्रीन। आपको काफी अच्छे स्वचेस में इस तरीके से मिल जाएगा। बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, काफी अच्छी पैकेजिंग में आता है, तो आप इसको लेकर के ट्रेवल भी कर सकते हैं। 6 इजी स्टेप जो आप अपने घर के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग घर पे आराम से कर सकते हैं। ग्लो के साथ साथ आपके स्किन की साइकिलिंग भी बेटर हो जाएगी। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है क्लिंजिंग मिल्क, उसी से ही आपका फेस क्लीन हो जाता है। रनिंग टेक्सचर है, सो ये इजिली स्प्रेड हो जाता है और एकदम से स्किन को क्लियर कर देता है, सारी डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। सो इसको आपको 5 मिनट सर्कुलर मोशन में अपने फेस, नेक, नोज पर मसाज करना है, फिर 5 मिनट के बाद जम टॉवल से वाइप कर लेना है। सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। मैंने थोड़ा सा स्क्रब लिया, 2-3 मिनट तक जनरली मसाज करके 1-2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, फिर उसके बाद डम टॉवल से आपको रिमूव करना है। ये डेड सेल्स को रिमूव करता है, स्किन पोर को अनलॉक एंड टाइटनिंग करता है, साथ ही साथ जो भी आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उसको रिमूव करता है। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप जो है मसाज क्रीम, ये होता है मेन पार्ट। थोड़ी सी क्रीम मैंने ले लिया है, अब इसको 10 मिनट के लिए मसाज करना है अपवर्ड सर्कुलर मोशन में। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रीम को डम टॉवल से आप रिमूव भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी स्किन पे फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, वो रिमूव होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपकी स्किन को अच्छा खासा ना मसाज मिल जाता है। तो आप देखिए, स्किन में जो क्रीम है वो मेरे एब्जॉर्ब हो चुकी है अच्छे से, फिर मैंने इसको टॉवल से वाइप कर लिया। फोर्थ स्टेप है फेस मास्क, मेरा फेवरेट स्टेप है फेस मास्क। इसको आपको नेक पे, फेस पे इवेंटली स्प्रेड कर लेना है और 10 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, एंड देन आप इसको वाइप ऑफ कर सकते हैं टॉवल से या फिर आप वॉश भी कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है फेस सीरम। अब फेस सीरम की 2-3 ड्रॉप्स को हाथ में लेकर के अच्छे से रब कर ले, देन अप्लाई ऑन अपवर्ड मोशन। टिप है इसका सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन को अप्लाई करें अपने फेस और नेक पे और अपवर्ड मोशन में करना है ताकि वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, और ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल स्किन रेज एंड क्रिएट अ प्रोटेक्टिव लेयर। अच्छा है ना कि कम में घर पे कर ले, जैसे कि मुझे नीड लगी, मैंने फटाफट से कर लिया और इंस्टेंट ग्लो भी आ गया, क्योंकि मैं धूप में इधर उधर ज़्यादा गई। व्लॉग आपको आगे पीछे देखने को मिलेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं सलून नहीं जा पाऊँगी, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, तो आप भी फेशियल कर सकते हैं घर बैठे। बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत टफ होता है, आप नहीं कर पाएंगे, खुद से भी कर सकते हैं। अगर स्टेप्स आपको नहीं आते हैं तो आप स्टेप्स जो है उसके सारे आप देख सकते हैं यूट्यूब से, आपको पता चल जाएगा। अगर आप सबको भी घर बैठे अपना फेशियल करना है कम से कम बजट में, तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत कम रेट में है ये, ज़्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि 500, 600, 700, 800, 1000, ऐसा नहीं है, बहुत कम रेट में है। मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप सभी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो हमें लोगों के घर जाना होता है होली मिलने, फिर हमारे घर भी लोग आते हैं, तो थोड़ा सा ग्लोइंग दिखना ज़रूरी है ना। और हाँ, लिप शेड के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे बहुत ज़्यादा, जो मैं एक डार्क शेड वाला लगाती हूँ, मेरा तो जो था वो खत्म हो गया, तो मैंने फिर से मंगवाया हुआ है, किसी का तो नंबर ही हट गया, मुझे खुद भी याद नहीं है कि वो शेड कौन सा है, तो इसलिए मैंने वापस से ऑर्डर किया हुआ 3-4, तो मैं आपको वो किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी। और सच में बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं। बाद में आप सभी पूछते हैं कि कौन सा शेड है, इसलिए बोलती हूँ वीडियो देखा क्या कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ ब्लॉग में, बाय।